Hey guys, welcome back to the new video. Guys, आज भी मेरे पास बहुत सारी YouTube community की interesting news है, आर्थ वीडियो को अंत तक देखते रहना है। Also, अगर तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो गाइस कर लेना, because मैं से ये अपलोड के लिए रेगुलरली न्यूज लाते रहता हूँ। Now, बढ़ते में पहली न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं विराट कोहली के बारे में। तो भाई विराट कोहली एंड ऑल्सो उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा का हो चुका है सेकंड बेबी। यस भाई, एंड इस चीज को उन्होंने यार कल ही अनाउंस किया अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके। विराट कोहली एंड ऑल्सो अनुष्का शर्मा दोनों ने यार एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में लिखा जाता है, विद अबंडेंट हैप्पीनेस एंड अवर हर्ट्स full of love, we are pleased to inform everyone that on 15th February we welcomed our baby boy Akai, Vamika's little brother, into this world. We seek your blessings and good wishes. In this beautiful time in our lives, we request you to kindly respect our privacy at this time. Love and gratitude, Virat and Anushka. Basically, यार विराट कोहली ने यार ये चीज बताई यार कि उनका सेकंड बेबी हो गया है जिसका नाम है यार अकाय, एंड वो एक बेबी बॉय है। एंड ऑल्सो विराट एंड अनुष्का ने यार लास्ट में ये चीज भी यार आप लोगों से बोली है, एक रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज यार उनके बेबी बॉय के यार आप लोग यार प्राइवेसी का भी ख्याल रखें, किसी भी टाइप से लीक्स वगैरह इतना ना करें। बाकी आप लोग का क्या रिएक्शन है यार इनके सेकंड बेबी के ऊपर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बट या भाई विराट कोहली का जो सेकंड बेबी बॉय हुआ है यार अकाय, इसका नेम भाई हर जगह ट्रेंड पे कर रहा है। बेसिकली हुआ क्या कि लोग यार अकाय का मीनिंग जानना चाहते हैं। एंड ऑल्सो विराट एंड अनुष्का ने जब ये वाली न्यूज को यार रिवील किया कि उनका सेकंड बेबी हुआ है, उसके बाद से यार ट्विटर पे यार अकाय एंड ऑल्सो यार प्रिंस, ये दोनों के दोनों हैशटैग भाई ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे। आप लोग देख पाओगे बेसिकली यार विराट कोहली को क्रिकेट का किंग कहा जाता है, तो ऑल्सो उनके बेबी को प्रिंस कहा जा रहा है। आप लोग का क्या रिएक्शन है कमेंट्स में जरूर बताना। एंड नॉट ओनली इन इंडिया, भाई पाकिस्तान के भी लोग यार विराट कोहली के बेबी के बर्थ को भाई सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोग कुछ इमेजेस वगैरह भी देख पा रहोगे जहां पर भाई कुछ पाकिस्तानी विराट कोहली के यार जो फैंस हैं वो मिठाइयां वगैरह बांट रहे हैं पाकिस्तान में। एंड ये चीज यार देख के काफी बढ़िया लगा। ऑल्सो यार सचिन तेंदुलकर ने भी यार कांग्रेचुलेट किया यार विराट कोहली एंड ऑल्सो अनुष्का शर्मा को। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे ये एक पोस्ट किया, वो कहते हैं कांग्रेचुलेशंस टू विराट एंड अनुष्का ऑन द अराइवल ऑफ अकाय, अ प्रीशियस एडिशन टू योर ब्यूटीफुल फैमिली, जस्ट लाइक हिज नेम लाइट्स अप द मून, मे ही फिल योर वर्ल्ड विद एंडलेस जॉय एंड लाफ्टर, हियर्स टू द एडवेंचर्स एंड मेमोरीज यू विल चेरिश फॉरएवर, वेलकम टू द वर्ल्ड लिटिल चैंप। एंड यार भाई जितने भी लोग को यार नाम जानना था लाइक अकाय का, जितने भी लोग को यार मीनिंग जानना था, अकाय का मीनिंग होता है यार शाइनिंग मून, यानी कि चमकता हुआ चांद। एंड ये यार शायद से एक टर्किश वर्ड है। आप लोग का क्या रिएक्शन है यार इस न्यूज के ऊपर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो क्या भाई कैरी मिनाटी अपने चैनल के बारे में यार कोई न्यू टाइप की वीडियोस बनाने वाले हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे कल एक पोस्ट किया, लाइक एक कम्युनिटी पोस्ट किया, जिसमें वो कहते हैं तुम लोग एनिमेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हो, तो या गाइस ऐसा हो सकता है यार कि कैरी मिनाटी यार इन फ्यूचर में कोई एनिमेटेड कंटेंट बनाते हुए दिख जाएं। आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो इस चीज के लिए कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर विराट कोहली के रिलेटेड भाई बात चली रही है तो बात कर लेते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में। तो भाई सचिन तेंदुलकर की एक वीडियो यार बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर यार वो एक फ्लाइट से जा रहे थे यार कहीं पे, एंड वहां पर यार सारे के सारे लोग फ्लाइट में भाई उनके फैन निकले, एंड सारे लोग भाई सारे के सारे लोग सचिन सचिन वहां पर चैंट कर रहे थे। आप लोग देख सकते हो। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं 12th फेल मूवी के एक्टर विक्रांत मैसे के बारे में। अब आप लोग यार इन्हें जानते होंगे, काफी ज्यादा यार पॉपुलर एक्टर हैं, उन्होंने यार 12th फेल मूवी में भी यार काम कर रखा है, और यार उन्होंने मिर्जापुर मूवी में भी यार बबलू का कैरेक्टर का रोल प्ले कर रखा है। एंड ये अभी के टाइम पे यार बहुत ज्यादा यार पॉपुलर हो रहे हैं ये एक्टर, एंड आप लोग को भी यार इनकी मूवीज काफी ज्यादा पसंद आ रही है। तो भी रिसेंटली यार 12th फेल मूवी के जो एक्टर है विक्रांत मैसे, उनका एक पॉडकास्ट आया है एक चैनल के बारे में, जहां पर भाई उन्होंने रिवील किया कि वो पाकिस्तान से हैं। यस भाई, एंड वो किस तरीके से यार पाकिस्तान से हैं उन्होंने इस चीज को रिवील किया, आप लोग खुद ही देख लीजिए। नाना नानी के बारे में बताओ जल्दी से, यार बहुत इंटरेस्टिंग है तो डिटेल ले लो। नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है यार, पाकिस्तान से माइग्रेट हुए पार्टीशन पे। कहां से? होशियारपुर लाहौर। हाथ मिलाओ, हम सियालकोट से हैं। कम ऑन यार, कम ऑन। लवली लवली। अच्छा नाना नानी वहां के हैं? नाना नानी वहां के हैं। तुसी पाकिस्तानी हो? मतलब यार ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है यार, बोल देंगे चले जाओ वापस पाकिस्तान। पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। हाँ जी, हाँ मतलब ब्लड लाइन तो आप कह सकते हो। होशियारपुर, होशियारपुर पाकिस्तान। तो बेसिकली यार विक्रांत मैसे ने यार यही चीज बताई यार कि उनका जो ओरिजिन है वो पाकिस्तान से है। अब आप लोगों को पता होगा कि भाई पहले पाकिस्तान भी इंडिया के ही अंदर था, जब यार पार्टीशन वगैरह नहीं हुआ था। तो उनका कहने का मतलब यही है कि उनका ओरिजिन जो है वो पाकिस्तान का है, वो इंडिया नहीं। आप लोग का क्या रिएक्शन है इस न्यूज पे कॉमेंट्स में यार जरूर बताना। एंड नेक्स्ट न्यूज भी यार विक्रांत मैसे के रिलेटेड है। बेसिकली हुआ क्या कि इसी वाले पॉडकास्ट से क्लिप और भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर भाई यार विक्रांत ने ये बताया कि उनके फैमिली मेंबर्स लाइक उनका जो भाई है जो कि उनका छोटा भाई है, उनकी मम्मी, ऑल्सो उनके पापा, सारे के सारे लोग भाई
अलग अलग रिलीजन के हैं। लाइक उनका जो भाई है वो 17 ईयर्स की भाई उम्र में मुस्लिम बन गया था, लाइक इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था। ऑल्सो उनकी यार जो मम्मी है वो सिख है एंड भाई जो उनके पापा है वो क्रिश्चियन है। एंड इस चीज को रिवील किया उन्होंने इसी वाले पॉडकास्ट में, वो क्या कुछ कहते हैं इसके रिगार्डिंग आप लोग खुद ही देख लीजिए। माय ब्रदर्स नेम, उसका नाम मोइन है, मेरा नाम विक्रांत है। आया होगा मन में कि मोइन क्यों है नाम। ही कन्वर्टेड टू इस्लाम, मेरे घर वालों ने उसको रिलीजन बदलने दिया कि बेटा तुमको इस चीज में संतुष्टि है तुम करो। एट व्हाट एज? व्हेन ही वाज 17। इट्स अ बिग स्टेप, इट्स अ बिग स्टेप। मेरी माँ सिखनी है, मेरे फादर चर्च गोइंग क्रिश्चियन है, हफ्ते के दो दिन चर्च जाते हैं। सारे रिलीजन कवर हो गए हैं, सब हो गया, ठीक है। मेरी मेरी उसने इसलिए किया है, उसने कहा कोई मुसलमान है ही नहीं घर में। तो रिलीजन को लेके स्पिरिचुअलिटी को लेके ना मैं बहुत यंग एज से ना बहुत कलेश देखे हैं मैंने। ओके। माई फादर वॉज क्वेश्चन बाई माई एक्सटेंडेड रिलेटिव की हाउ कुड यू अलाउ दैट। माई फादर इज सेड दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक बात है। ही इज माई सन, ही इज ओनली आंसरेबल टू मी। He has all the rights to choose what he wants. And बाकी आप लोग का क्या ऑब्जेक्शन है विक्रांत के इस वाले पॉडकास्ट के ऊपर यार मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और बात कर लेते हैं रॉनी के बारे में। अब आप लोग को यार पता होगा कि भी रिसेंटली यार रॉनी की शादी हुई है, तो शादी के बाद उनको यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्या हुआ आप लोग खुद ही देख लीजिए। गाइज शादी वाले हफ्ते मुझे इतने सारे मैसेजेस आए कि मेरा व्हाट्सएप अभी तक अटका हुआ है, मेरे को पता भी नहीं क्या हो रहा है। मतलब ऐसा मैं स्क्रॉल करता हूँ तो एक पॉइंट के बाद जाता है ब्लैंक हो जाता है विदाउट व्हाट्सएप क्रैश डायरेक्ट बंद। इतने सारे मैसेजेस थे मैं व्हाट्सएप यूज नहीं कर पा रहा हूँ, क्या चल रहा है भाई। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं मुनावर फारूकी के बारे में। आप लोग को यार पता होगा कि इंटरनेट पे यार लोग यार मुनावर फारूकी को काफी ज्यादा ट्रोल करते हैं इस चीज के लिए कि भाई इस बंदे की काफी सारी गर्लफ्रेंड्स है। तो क्या भाई रिसेंटली यार मुनावर फारूकी जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो क्या भाई उनकी एक और गर्लफ्रेंड रिवील हो गई। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो इसकी भी यार क्लिप इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। हेलो, मुझे सबसे एक चीज करनी है, मैंने ना आपको मान लिया है मेरा पति, तो आप बस हाँ बोल दीजिए, बस हाँ बोल दीजिए। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? अब आपने हस्बैंड मान ही लिया तो अब मेरे मानने ना मानने का क्या? आप लोग का क्या रिएक्शन है इस चीज पे मुझे कमेंट्स में यार जरूर बताना। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं ट्विटर के बारे में। तो भाई ट्विटर ने एक बहुत तगड़ी भाई चीज निकाली है। आप लोगों को पता होगा अभी के टाइम पर इंटरनेट पे AI जनरेटेड यार इमेजेस वीडियोस वगैरह बहुत ज्यादा स्प्रेड होते हैं एंड यार पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये जो इमेज हम देख रहे हैं अपने आंखों के सामने ये भाई रियलिटी में एग्जिस्ट करता है या फिर ये AI है। तो ट्विटर भाई एक बहुत जल्दी एक फीचर लाने वाला है जहां पर भाई अगर आप लोग ट्विटर पे कोई इमेज देखोगे एंड अगर वो वाली इमेज यार AI जनरेटेड होगी तो वहां पर यार ऐसा लिखा हुआ आएगा कि ये वाली यार जो इमेज है वो AI जनरेटेड है। आप लोग का क्या रिएक्शन है कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और बात कर लेते हैं शुभमन गिल के बारे में। तो भाई शुभमन गिल का एक कमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है बिग टाइम पे इंटरनेट पे। बेसिकली हुआ क्या कि एक बंदे ने शुभमन गिल को टैग करते हुए एक रील अपलोड करी थी जहां पर यार उस रील में लिखा जाता है अगर शुभमन ने इस रील पे कमेंट किया तो मैं कल से पढ़ना शुरू कर दूंगी। एड्स के नीचे भाई फॉर रियल शुभमन गिल ने भाई कमेंट किया एंड वो कहते हैं शुरू कर दो पढ़ना। आप लोग का क्या रिएक्शन है उनके वायरल कमेंट के ऊपर कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और बात कर लेते हैं फ्यूचरिस्टिक रिंग के बारे में। बेसिकली हुआ क्या कि अभी के टाइम पे यार एक न्यूज़ आ रही है बहुत बड़ी कि एप्पल यार एक स्मार्ट रिंग के ऊपर यार वर्क कर रहा है जो कि यार आपका हेल्थ का अपडेट देने वाला है एंड ये रिंग यार देखने में तो काफी बढ़िया लग रहा है बट यार औकात से बाहर होगा मैं पहले ही यार प्रेडिक्ट कर देता हूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और बात कर लेते हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो बेसिकली हुआ क्या कि काफी ज्यादा यार पॉपुलर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जहां पर यार आर्टिकल में ये लिखा जाता है कि मिस्टर बीस्ट जो है यार वो ट्रबल में आ सकते हैं इस वजह से बिकॉज भाई उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को यार कोई जॉब टाइटल नहीं दिया हुआ है, वो सिर्फ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड बोल देते हैं एंड लिटरली भाई मिस्टर बीस्ट को किसी भी रीजन की वजह से यार कैंसिल कर देते हैं अभी के टाइम पे लोग। अगर वो अपने एम्प्लॉय को यार फ्रेंड बोल रहे हैं तब तो अच्छी ही बात है ना, उसमें यार बुरी बात क्या है, जरूरी थोड़ी है किसी को पोस्ट पे रखना एंड वो तो यार पर्सनली उनके दोस्त ही हैं जो भी यार उनकी वीडियोस में आते हैं। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और बात कर लेते हैं आशीष सिंचलानी के बारे में। तो क्या भाई आशीष सिंचलानी के एक फैन ने उनको ही रोस्ट कर दिया। बेसिकली हुआ क्या कि आशीष सिंचलानी ने अपनी एक बहुत ज्यादा पुरानी फोटो को शेयर किया एंड ऑल्सो यार वहां पर वो स्टोरी में अपलोड करते हैं उसको जहां पर लिखे रहते हैं बेस्ट कैप्शन इन द कमेंट्स गेट्स पिंड लेट्स गो एंड इसके नीचे भाई ऐसे ऐसे उनको कमेंट आए मैं यार आप लोग को बता देता हूं। सबसे पहले तो यार उनको ये कमेंट आता है जियान है आप, लिटरली भाई उनको लोग जियान कह रहे थे एंड ऑल्सो इसी वाली पोस्ट के नीचे जो आशीष के यार फ्रेंड है कुणाल उन्होंने भी यार कमेंट किया था जिसमें वो कहते हैं किडनैपिंग वाली वैंस का ड्राइवर मिल गया। आप लोग का क्या रिएक्शन है इस ट्रोल कमेंट के ऊपर कमेंट्स में यार जरूर बताना। तो चलो यार गाइस बस अभी के लिए न्यूज़ देना है जो भी न्यूज़ मिलेगी यार मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। न्यूज़ सबमिशन का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप लोग वहां पर जाकर मुझे कोई न्यूज़ सबमिट करोगे तो यार डेफिनेटली मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट दूंगा एंड मैं मिलता हूं आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।